आज हम क्या करेंगे, एसी के कंप्रेसर होते हैं ना जी, एसी के कंप्रेसर, इसमें डबल कैपेसिटर की वायरिंग करके देखेंगे कैसे होती है। डबल कैपेसिटर की वायरिंग समझ रहे हैं, उसके लिए रिले चाहिए होती है और दो कैपेसिटर चाहिए होते हैं और अपना ये कंप्रेसर, चाहे विंडो एसी का हो चाहे स्प्लिट एसी का हो। अब इसके कनेक्शन में समझाऊंगा आपको कैसे समझने, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें गलत हो जाएगा जी, कंप्रेसर जल जाएगा। ठीक है, अब क्या सबसे पहले अपन को चाहिए पड़ेंगे फेज़ न्यूट्रल। तो फेज़ न्यूट्रल कहाँ लगेंगे, ये फेज़ न्यूट्रल इस बोर्ड से अपन लेंगे इस रिले में। तो फेज़ कहाँ आएगा, ये वाला आएगा यहाँ इस चार नंबर के पॉइंट पे, ठीक है, इस रिले के पे। और न्यूट्रल कहाँ आएगा, ये पाँच नंबर के पॉइंट पे। ये फेज़ को मिल, इसको रिले को मिल गया फेज़ न्यूट्रल, ठीक है, फेज़ न्यूट्रल रिले को मिल गया। अब इसमें सबसे पहले अपन कौन सा कैपेसिटर लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे रनिंग वाला कैपेसिटर। ये रनिंग कैपेसिटर कैसे लगेगा इसमें, ये ध्यान रखना पड़ेगी अपन को, ठीक है। रनिंग कैपेसिटर एक जाएगा कहाँ, इसी पे, इस वाले पॉइंट पे जी, इस वाले पॉइंट पे चला गया, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे चला गया। और एक और कहाँ चला जाएगा रनिंग वाला, यहाँ दो नंबर के पे। तो ये अपना एक कैपेसिटर अपन ने लगा दिया, ये कौन सा, रनिंग वाला कैपेसिटर की अपन ने वायरिंग कर दी। ये रनिंग कैपेसिटर की वायरिंग हुई इसकी, इसके दोनों वायर कहाँ चले गए, एक चार नंबर पर और एक नंबर पर, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये पहले अपन ने फेज न्यूट्रल इसको दे ही दिए थे, ठीक, ये एक कैपेसिटर लग गया अपने कंप्रेसर के लिए। और दूसरा स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग का कितना, 100 120 का है। ये कहाँ लगेगा, ये भी समझने की बात है क्योंकि ये गलत नहीं लगना चाहिए। एक ये फिर कहाँ लगेगा अपना, ये लगेगा इस वाले पॉइंट पर, ठीक है जी, इस वाले पॉइंट पर लगा दिया अपन ने, कितने हो गए यहाँ पर, ये इस पर लग गया, ठीक है, ये चार नंबर वाले पॉइंट पर, ठीक है। और एक और इसका जो बचा है वो कहाँ लगेगा, एक नंबर वाले पॉइंट पे, इस पर एक नंबर पे, ये दिख रहा है एक नंबर पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे लग जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जब एक नंबर दिख रहा होगा, ये लग गया एक नंबर पे। इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ से आई, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है अपना, ठीक है। इसको कहाँ लगाया, एक अपन ने यहाँ से ले लिया और एक लगा दिया यहाँ पर। तो इसकी कंप्रेसर की वायरिंग ये हो गई, दोनों कैपेसिटरों की वायरिंग किसके साथ, अपने रिले के साथ में। और ये रिले को अपन दे देंगे इसके थ्रू फेज़ न्यूट्रल, ये लगा दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है, अभी ये लग गया, ठीक। अब इसके कंप्रेसर की वायरिंग आई, अब इसमें कंप्रेसर की वायरिंग कहाँ कहाँ लगेगी, ये कंप्रेसर का कौन सा वाला पॉइंट है, ये कंप्रेसर का रनिंग वाला पॉइंट है, ये रनिंग वाला, ये रनिंग पॉइंट कहाँ लगेगा, ये कंप्रेसर का आर वाला पॉइंट, जो रनिंग है ना, वो यहाँ पर आके लगेगा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे आके लगेगा रिले के, इस वाले पॉइंट पे, कंप्रेसर का आर वाला। तो अपन ने कहाँ लगा दिया इसको, ये लग गया यहाँ पे आर वाले पॉइंट पे, थोड़ा टाइट लगता है और कुछ नहीं जी, लग गया आर वाले पॉइंट पे जी। आया कहाँ से, आर वाले पॉइंट से जी, आर से आया कंप्रेसर के, आर से तो कहाँ चला गया, यहाँ पर कंप्रेसर इसकी रिले के मेन वाले पॉइंट पर, जिस पर अपन ने फेज लिया था जी, फेज लिया था, ये लग गया कहाँ पर, रनिंग पे। और अब ये वाला कौन सा है कंप्रेसर का, ये कंप्रेसर का सी यानी कॉमन पॉइंट कहाँ आएगा, ये कंप्रेसर से, इस कंप्रेसर से जे आएगा, जे आ गया सी वाला, जे सी वाला कहाँ जाएगा, इस वाली रिले पे, कहाँ, पाँच नंबर पे। ये क्यों जाएगा पाँच नंबर पे, क्योंकि ये है कॉमन। तो ये कंप्रेसर का सी वाला कहाँ लग गया, सी वाला लग गया आगे पाँच नंबर पे, जी सी आई यहाँ से आया सी वाला, ये सी यहाँ से चल के ये आ रहा और ये सीधा इसमें पाँच नंबर में चला गया। अब अपना बच्चा एक और, जब एक और कौन सा बच्चा, जी स्टार्ट वाला बच्चा, कंप्रेसर का एस वाला। तो जी एस वाला बच्चा है ना, जी एस वाला है। अब जी एस वाला कहाँ लगेगा, यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा, ये रिले के इस पर लगेगा, किस पे, दो नंबर वाले टर्मिनल पर, ये दो नंबर वाले टर्मिनल पर अपन ने लगा दिया, ठीक है। अब ये इसकी पूरी वायरिंग हो गई कंप्लीट, ठीक है, अब समझ में आ गई होगी शायद डबल कंप्रेसर की, मतलब डबल कैपेसिटर की वायरिंग कैसे करते हैं। इसमें डबल कैपेसिटर की वायरिंग जो पूरी कंप्लीट हो गई, ये कंप्रेसर का कॉमन आया, ये यहाँ लग गया, जो कंप्रेसर का स्टार्टिंग आया वो दो नंबर पर लग गया, और रनिंग आया वो यहीं पर जाएगा। यानी समझने की बात यही थी कि डबल कैपेसिटर की वायरिंग ऐसे करते हैं, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, अब ये स्विच यहाँ से चालू कर देंगे, ये स्विच चालू हो गया, अब ये सप्लाई आई सीधी बोर्ड में से, ये दोनों कैपेसिटर हो गए, ये रनिंग हो गया, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये इसकी रिले हो गई, और ये अपने कंप्रेसर के कनेक्शन हो गए,
तो ये पूरा अपना कंप्रेसर का मतलब जो डबल कैपेसिटर वाली वायरिंग जो होती है ना वो कंप्लीट हो गई है सात रिले के। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग कॉन्टैक्टर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कॉन्टैक्टर आपको कहाँ इस्तेमाल करना पता है? ये कॉन्टैक्टर इस्तेमाल यदि आपको करना है सेफ्टी के लिए लोड के लिए तो कहाँ लगेगा ये? इससे इसके आउटपुट आएंगे, इसके आउटपुट आएंगे यहाँ पे और इसके आउटपुट जाएंगे जहाँ पे, मतलब ये वायर कट करके यहाँ जोड़ना और ये यहाँ जोड़ना है। ठीक है, बन गया, काम हो गया।